अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज हम बनाएंगे वाली फुट्टी डो। तो उसके बनाने के लिए हमने लिया है एक कप का जो फुट्टी होती है, हमने वो लिया है जो पाउडर पाम में है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिलाएंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एकदम में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि आपका डो अच्छी तरीके से तैयार। तो चलो हम तैयारी करके आप लोगों को दिखाते हैं कि हम किस तरीके से इसको पूरा डो तैयार करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जैसे जैसे डो बनता जाएगा आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाना है। अगर आपका पानी ज्यादा हो जाए तो आपने फिर थोड़ा सा मिला देना है ताकि जो लेवल है वो सही हो जाए और हमारा जो डो है वो ज्यादा गाढ़ी ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने बनानी और आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। तो अच्छी तरीके से मिक्स करके हम आप लोगों को इसका अगला स्टेप बनाएगी। और अगर इसी टाइम में आपने इसमें ऑयल डालना है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपका जो डो है वो जल्दी सूखेगी नहीं। और आपने बस इसको मिक्स करते जाना है, मिक्स करते जाना है। इसमें छोटे छोटे पीस होते हैं, आपने उसको बिल्कुल बारीक कर देना है ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। अगर फिर भी वो मिक्स नहीं हो सके तो पहले आपने इसको छान लेना है, तो फिर ये अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो इसमें कोई भी इस तरीके से कुछ चीज़ नहीं थी तो मैंने इसको नहीं छाना है और मैंने इस तरीके से बनाया है जो आपको दिख रहा है। लेकिन आपने इसमें ऑयल ज़रूर डालना है। जब आप इसमें ऑयल डालेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल अच्छी तरीके से बनेगी। और आप इसको देख सकते हैं, अब ये अपने असल हालत में जो है वो अब आ रहा है और इससे बहुत अच्छी अच्छी तरीके से आप बहुत सारे सामान जो कुछ आपने बनाना है वो आप इससे बना सकते हैं। तो वो बिल्कुल इजीली बन जाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका कोन भी बनाना सिखाऊंगा और उससे आप इस तरीके से डिज़ाइन और बहुत से क्राफ्ट आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसे आप क्या क्या बना सकते हैं और किस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे। तो अब हम इस फुट्टी और ग्लू को मिक्स करके हम आपको कोन भी दिखाएंगे। तो फाइनली ये इस तरीके से बन चुका है और ये बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। आप इसको इस तरीके से मैंने रोल कर लिया है, इसमें किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इस्तेमाल करते वक्त आप बस एक ध्यान ये रखना है कि अपने हाथों को आपने ऑयल से यानी कुकिंग ऑयल जो भी ऑयल हुआ आपने उसको यूज करके अपने हाथों पे थोड़ा सा लगा देना है, तो फिर ये और भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो चलो हम इसको अब रेडी करेंगे और आपने इसको एक शापर में बंद कर देना है अच्छी तरीके से ताकि ये जल्दी ना सूखे और ये तकरीबन दो घंटे तक आप इसको यूज़ कर सकते। जब ये शापर में रही आपने थोड़ा थोड़ा लेना है और इस तरीके से आपने बना देना है। और मैंने इससे जो चीज़ें बनाई हैं मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो जो चीज़ें जो जो मैंने बनाई है और जो जो इससे बन सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइन है, इसमें जो ब्यूटी सामान होते हैं जो ब्रशेस होते हैं हम इसमें रख सकते, इसमें अपनी अलमारी में रख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मैंने तैयार किया हुआ है और भी बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं और इसकी वीडियो भी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। और आप इससे जैसे कि डक्स हो गए, मशरूम हो गए और ये वॉल हैंगिंग जो आपको दिख रही है ये डिज़ाइन हो गया। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी।